मैं प्राध्यापक एलबी गायकवाड़ यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ नया एक वीडियो। वीडियो का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, टॉपिक के तरफ जाने के पहले मैं आपको एक विनती करता हूँ कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं हिंदी में और अंग्रेजी में वीडियोस डालता हूँ। मैं यह वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और इंग्लिश कम्युनिकेशन और मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स के ऊपर मैं वीडियोस डालता हूँ। तो सभी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब देख सकते हो। आप देखिए और मेरा चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मित्र जो भी है अपने उनको भेजिए। हम अब जाने वाले हैं टॉपिक के तरफ। टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस कैसा लिखा जाता है, कैसा बोला जाता है, पैसिव वॉइस कैसा लिखा जाता है और बोला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये देखने वाले हैं। पहले हम बताएंगे कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू राइट एंड स्पीक द रनिंग एक्शन इन द पास्ट टेंस। इसका मतलब हुआ कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसको इज यूज्ड, यानी हम उसका वापर करते हैं, उसको हम वापरते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू राइट यानी लिखने के लिए एंड टू स्पीक यानी बोलने के लिए। द रनिंग एक्शन यानी जो रनिंग एक्शन होती है, चालू जो रहती है, रनिंग यानी डेवलपिंग एक्शन जो होती है, गोइंग ऑन एक्शन होती है और वो एक्शन शुरू रहती है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रनिंग एक्शन इन द पास्ट डेज, यानी पास्ट डेज यानी हम जो भी पिछले डेज होते हैं, पिछला सेक्शन होता है लाइफ का या पिछला एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उस अनुभव को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंग्रेजी हम लिख और बोल सकते हैं। पॉजिटिव एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम अभी लेने वाले हैं। आई वॉज कॉलिंग हिम यस्टरडे, इसका मतलब हुआ मैं उसे कल बुला रहा था। बुला रहा था, वॉज कॉलिंग यानी मैं उसको बुला रहा था, तो ये हुआ उसका सेंटेंस यानी आई वॉज कॉलिंग हिम यस्टरडे। इसकी रचना होती है, यदि हम इस रचना को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो हम हमारे ध्यान में आएगा कि इस रचना का मतलब हुआ ये वाक्य। रचना क्या है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेयर प्लस एमवी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी ज्यादा के लफ्ज होते हैं, यानी ईडब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, फिर बाद में फुल स्टॉप वहां पर हम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई हुआ, वॉज वेयर में से हमने यहाँ पे वॉज लिया क्योंकि ये जो आई है ये सिंगुलर है इसलिए वॉज लिया। इस कॉल को हमने आईएनजी लगाया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, कि एमवी प्लस आईएनजी हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है इसलिए हमने ये हिम नाम का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यानी ईडब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हमने यस्टरडे लिया हुआ है। यहाँ पर फुल स्टॉप लिखा हुआ है रचना में तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिया है। तो यह ऐसा बन सकता है, हम यहाँ पर ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। अभी इसका हम जा रहे हैं, इसका बनाने यानी पैसवेज बनाने के लिए हम जा रहे हैं, तो इसका पैसवेज ऐसा बनेगा कि ही वॉज बींग कॉल्ड एस्टरडे बाय मी, ही वॉज बींग कॉल्ड एस्टरडे बाय मी। तो यह हो गया उसका वाक्य या सेंटेंस। हम अभी बनाएंगे उसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर, बीइंग प्लस पीपी प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी ईडब्ल्यू,
प्लस बाई प्लस सब्जेक्टिव केस और प्लस फुल स्टॉप। हम अभी तुलना करेंगे ए सेंटेंस में और स्ट्रक्चर में। देखिए ऑब्जेक्ट ये ही आया क्योंकि यहाँ पर हिम है तो इसका ही ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे शी होता तो उसका, यहाँ पे हर होता तो उसका हम ही बनाते, देम होता तो हम उसका दे बनाते। यहाँ पर हमने ये सब लिखा हुआ है, बाद में हम बताने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट हुआ ही, वाज वेयर में से आया वाज, यहाँ पर हमने बीइंग लिया तो ये बीइंग आ गया, हमने पिप्पी का बोला तो ये पिप्पी आ गया, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का बोला तो यस्टरडे आ गया, यहाँ पर बाय बोला तो ये बाय आ गया, और एससी बोला यानी सब्जेक्ट की केस के बारे में बोला तो यहाँ पर मी आ गया क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो इसका मी बन गया, और बाद में हमने यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। अभी हम जा रहे हैं निगेटिव एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की तरफ। देखिए आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम यस्टरडे, दिस इज द एक्टिव वॉइस। देखिए ये वो वाक्य, अभी इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस एम वी प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या ई डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। देखिए अभी दोनों की यदि हम कंपेरिजन करते हैं या तुलना करते हैं तो तुलना में ऐसा आता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट बोला गया है तो आई आ गया, वॉज और वेयर के बजाय यहाँ पर वॉज आ गया क्योंकि जो आई नाम का सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है इसलिए यानी एक वचन है तो यहाँ पर वॉज आ गया। हमने यहाँ पे रचना में नॉट लिया तो यहाँ नॉट आ गया, एम वी प्लस आई एन जी हमने लिया तो यहाँ पर कॉलिंग आ गया यानी कॉल नाम के वर्ब को हमने आई एन जी लगा दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने हिम ले लिया, कॉम्प्लीमेंट या ई डब्ल्यू ज़्यादा का लफ्ज हमने यहाँ पर यस्टरडे ले लिया, और फुल स्टॉप हमने यहाँ पर ये फुल स्टॉप रख दिया। ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसका ये एक्टिव वॉइस का हो गया वाक्य और ये हो गई उसकी रचना। यहाँ पर नीचे हमने पैसिव वॉइस की रचना दी हुई है, यानी ये जो निगेटिव एक्टिव वॉइस है इसकी हमने निगेटिव पैसिव वॉइस की रचना बनाई हुई है। तो ये देखिए ही वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड यस्टरडे बाय मी, तो इसकी जो ये हुआ सेंटेंस, इसकी जो रचना है और रचना ऐसी है कि देखिए ऑब्जेक्ट है वाज है वेयर है प्लस नॉट है प्लस बीइंग है प्लस पिप्पी है प्लस सी एन ए ई डब्ल्यू एन ए उसका जो ज़्यादा का लफ्ज उसमें आता है वह है, बाई है एस सी है और फुल स्टॉप है। तो हम अभी यहाँ पर तुलना करेंगे, ही वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड यस्टरडे बाय मी, यह हो गया पैसिव वॉइस का वाक्य और इस वाक्य की ये नीचे दी गई है रचना। तो रचना में है पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमने ही लिया, ए हिम का यहाँ पर ही बन गया तो ऑब्जेक्ट हमने ही लिया, ही ले लिया। वाज और वेयर इस यहाँ पर वाज और वेयर दिए हुए तो हमने यहाँ पर वाज ले लिया क्योंकि ये जो ही है ये सिंगुलर है एकवचन है इसलिए हमने वेयर लिया नहीं वाज ले लिया। यहाँ पर नॉट दिया है इसलिए हमने नॉट ले लिया, बीइंग दिया है हमने बीइंग ले लिया, पिप्पी है तो हमने कॉल को ईडी लगा दिया उसका पिप्पी बना दिया। बाद में यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया यानी ई डब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने लिए तो यहाँ पर हमने कर दिया यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज आया हुआ है तो ये हो गया ज़्यादा का लफ्ज या कॉम्प्लीमेंट। फिर बाद में हमने यहाँ पर बाय ले लिया, ये बाय जो है यहाँ पर हमेशा लिया जाता है पैसिव वॉइस में तो बाय लिया तो यहाँ पर हमने बाय कर दिया। एस सी यानी सब्जेक्ट की केस है तो हमने आय है तो उसकी मी उसकी सब्जेक्टिव केस यहाँ पर मी बना दी और बाद में हमने फुल स्टॉप ले लिया। तो हम ये रचना को अच्छी तरह से देख के उसका अभ्यास करके हम इस रचना के आधार से या इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस रचना यानी इस रचना के मदद से हम यहाँ पर ये सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो रचना होती है यह सभी रचनाएं यहाँ पर वाक्य बनाती है। इसका स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमने यह बात हमने अच्छी तरह से कर ली तो हम अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ये दूसरा भाग यहाँ पर हमने लिया हुआ है मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमने इसलिए दिए हुए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला सेंटेंस हमने लिया हुआ है He was collecting her from the college. यानी he was collecting her from the college. यानी college से वह
उसे उसे यानी उस लड़की को या उस स्त्री को या महिला को वो कॉलेज से कलेक्ट कर रहा था, यानी उसको वहां से वो बुला रहा था, यानी वहां से वो उसको उठा रहा था या वहां से वो उसको ले जा रहा था, यानी उसकी क्रिया चल रही थी। सो ही वॉज कलेक्टिंग हर फ्रॉम द कॉलेज। अभी इसका जो पैसिव वॉइस है ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बन गया शी वॉज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज बाय हिम, यानी उसी से वो उसी से उसे यानी उस महिला को कॉलेज से उठाया जा रहा है, सॉरी उठाया जा रहा था, उठाया जा रहा था, वो उठा रहा था, यानी वो उसको बुला रहा था और बाहर ले जा रहा था, उठा रहा था, ऐसा उसका मीनिंग हिंदी में हो जाता है इसका मीनिंग। और इसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया। दूसरा वाक्य है दे वेर नॉट गिविंग द बनानास देयर, यानी वहां पर जो बनानास थे यानी जो केले थे वो केले दे वेर नॉट गिविंग, दे यानी कुछ बच्चे होंगे कुछ आदमी होंगे वो नहीं दे रहे थे, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और उसका पैसिवाइज हुआ है द बनानास वेयर नॉट बीइंग गिवन देयर बाय देम, बाय देम मैंने उन लोगों से वहां पर वो जो केले थे वो केले नहीं दिए जा रहे थे, नहीं दिए जा रहे थे, ऐसा इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है। तो हिंदी में भी देखिए और अंग्रेजी में देखिए, यदि हम कंपैरिजन कर लेते अंग्रेजी या हिंदी की तो हम अच्छी तरह से हमारा कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, उसका हम विकास कर सकते हैं। कंक्लूजन जब हम लेते हैं तो कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि आई होता है सब्जेक्ट, ही होता है, शी होता है, इट होता है, यह सब्जेक्ट्स यदि वाक्य में आते हैं तो हम वाज नाम का सहकारी क्रियापद वहां पर लेते हैं। वी नाम का कर्ता आ जाए, यू नाम का कर्ता आ जाए और दे नाम का करता या सब्जेक्ट वहां पर यानी किसी भी जगह पर आ जाए, सेंटेंस में आ जाए तो हम वेयर लेते हैं। और पैसवाइज हम जब बनाते हैं तो बीइंग लेते हैं, क्योंकि बीइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो इसलिए हम उसमें बीइंग लेते हैं, हर कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बीइंग लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने बोला है कि पीवी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जब भी हम पीवी बनाते हैं तो बीइंग लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि सब्जेक्टिव केसेस हम बनाते हैं। वाक्य में यदि आई नाम का कर्ता होता है तो उसे हम मी बनाते हैं, यदि वी नाम का कर्ता होता है तो उसे अस बनाते हैं, यू नाम का कर्ता होता है तो उसे यू बनाते हैं, दे नाम का कर्ता होता है तो उसे देम बनाते हैं, ही नाम का कर्ता होता है तो उसे हिम बनाते हैं, शी नाम का कर्ता होता है तो उसे हर बनाते हैं, ईट होता है तो हम उसे ईट बनाते हैं, सारा होती है तो लड़की का नाम होता है तो हम सारा ही रखते हैं, पुलिस का नाम होता है तो पुलिस रखते, विलियम वर्सवर्थ होगा तो उसे हम विलियम वर्सवर्थ ही रखेंगे, कुछ हिंदी का नाम हुआ तो उसको हिंदी का ही नाम हम रखेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम चेंज कर सकते हैं और उनके सब्स्टिट्यूट केसेस हम बना सकते हैं। यह सारा या कोई पोलिस रहे ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट के शिवा, यानी ये सब्जेक्ट रहे तो वैसा ही या ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट छोड़ के यदि दूसरा कोई लफ्ज जाता है या शब्द आता है तो हम उसे वैसा ही रखेंगे, विलियम वर्सवर्थ रहा तो उसको वैसा ही रखेंगे, सारा रही तो उसको ऐसा वैसा ही रखेंगे, इंडिया रहा तो उसको इंडिया ही रखेंगे, ऐसा हम करेंगे। वेयर नॉट यह लॉन्ग फॉर्म है, इसे हम वेरंट बोल सकते हैं, वेरंट को वेयर नॉट बोल सकते हैं, वाज नॉट को हम वाजंट बोल सकते हैं और वाजंट को हम वाज नॉट बोल सकते हैं, ये वाज नॉट लॉन्ग फॉर्म है और ये वाजंट शॉर्ट फॉर्म है। और बाद में लास्ट में ऐसा पॉइंट हमने दिया हुआ है कि हम पीवी फ्रॉम एवी एंड एवी फ्रॉम पीवी, यानी हम पीवी एवी से बना सकते हैं, यानी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने आपको ये जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है कि जो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लेते हैं,
यदि हमें अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना है तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्व के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा आप कीजिए और अपनी अंग्रेजी अच्छी तरह से विकसित कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे आपकी विदा लूँगा, लेकिन विदा लेने के पहले मैं आपको एक विनती करूँगा कि मेरा चैनल आप शेयर कीजिए, मित्र जो भी है आपके उन्हें भेजिए, और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके ऐसा कीजिए, मुझे मदद कीजिए। यही उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।